मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। जैसा कि कल हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम नंबर 3, 4 और 5 बताया था, आज हम प्रॉब्लम नंबर 6 पे आ जाएंगे। ये 4 1 2 4 y x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स वाई। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है ABCD। ए का वर्टिसेस आपका है 1 2, बी का वर्टिसेस आपका बताया गया है, बी का जो वर्टिसेस बताया गया है y 4y, और सी का जो वर्टिसेस बताया गया है और ये आपका 3। यानी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ए का वर्टिसेस 1 2, बी का 4y, सी का x 6, डी का 3 5। वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है, ये ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा। अच्छा, सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC के मिड पॉइंट पे इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, और BD पे भी ओ मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला लगेगा x1 + x2 / 2 1 + x / 2 y1 + y2 / 2 2 + 6 / 2 = BD के लिए x1 + x2 / 2 4 + 3 / 2 y1 + y2 / 2 y + 5 / 2। अब देखिए x पहले को पहले से कंपेयर करेंगे, 1 + 6 / 2 = 4 3 7 / 2 2 2 cancel 1 + 6 = 7 x = 7 - 1 x = 6। दूसरे को दूसरे से कंपेयर करेंगे, 6 to 8 / 2 = y + 5 / 2 2 2 cancel y y + 5 = 8 y = 8 - 5 y = 3। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 5 हो गई। प्रॉब्लम नंबर 6 पे आपसे क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 6 से कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हूज सेंटर 2 - 3 एंड बी इज 1 4। ये आपका एक सर्किल है, इसमें ए के कोऑर्डिनेट नहीं मान, वर्टिसेस नहीं मालूम, एक्स वाई मान लिया, लेट कर लिया, सेंटर 2 3 - 3 है, बी 1 4 है, लेट सी बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, देन सी 2 - 3, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एक्स वाई, एक्स ए के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मान लिया गया, ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर है ऑफ ए सर्किल हूज सेंटर एट सी, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अब सेंटर मिड पॉइंट पे होगा, एक्स इज इक्वल टू x1 + x2 / 2 y = y1 + y2 / 2, x = x1 + x + 1 / 2 y = y + 4 / 2, एक्स की वैल्यू 2 2 = x + 1 / 2 - 3 = y + 4 / 2, 2 2 = 4 4 = x + 1, x = 4 - 1 x = 3। यहाँ पे आप देखेंगे 2 3 - 6 = y + 4 y = -6 - 4 y = -10, तो ए आपका एक्स आपका एक्स वाई होगा और एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू -10 है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे, इफ ए एंड बी आर -2 and -2 and 2 - 4 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 AB एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। देखिए ए बी एक आपकी लाइन है, पी ए बी में लाइज कर रहा है। अच्छा, ए पी जो है 3/7 AB के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 AP = 3 AB, 7 AP = 3 AB जो है AP + BP से मिल के बना है, 7 AP - 3 AP = 3 BP, 4 AP = 3 BP, AP / BP = 3/4, m1 3 m2 4, x1 - 2 y1 - 2 x2 2 y2 - 4, x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, वैल्यू पुट करेंगे 3 × 2 + 4 × -2 / 3 + 4, 6 - 8 / 7 - 2 / 7, y = m1 + y2 + m2 + y1 m2 × y1 / m1 + m2, y वैल्यू पुट करेंगे 3 × -4 + 4 × -2 / 3 + 4, -12 - 8 -20 / 7। प्रॉब्लम नंबर 9 पे आ जाएंगे, 9 आपका कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए टू -2 2 and b 2 8 इन 4 इक्वल पार्ट। देखिए 8 - 2 2 है, b 2 8 है,
पी क्यू आर हमने तीन पॉइंट इसमें दे दिए, चार इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है, तो एक्स वन तो माइनस टू, वाई वन टू, एक्स टू टू, वाई टू एट, ये सभी में एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू की वैल्यू सेम रहेगी। खाली इसमें जो चेंज होगा वो रेशियो चेंज होगा, पी डिवाइड ए बी इन द वन रेशियो थ्री, ये वन वन टू थ्री, तो पी जो है ए बी को वन रेशियो थ्री में डिवाइड कर रहा है, एम वन वन एम टू थ्री, एक्स वन इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू, एक्स वन बाई एम वन प्लस एम टू, वन इंटू टू प्लस थ्री इंटू माइनस टू बाई वन प्लस थ्री, टू माइनस सिक्स बाई फोर माइनस फोर बाई फोर इज इक्वल टू माइनस वन, वाई वन इज इक्वल टू एम वन बाई टू प्लस एम टू, वाई वन बाई एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू वन इंटू एट प्लस थ्री इंटू टू बाई वन प्लस थ्री, यानी एट प्लस सिक्स बाई फोर फोर्टीन बाई फोर सेवन बाई टू। क्यू के लिए देखें, क्यू डिवाइड ए बी इन द वन रेशियो वन, अब चूंकि क्यू मिड पॉइंट पे है तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगेगा, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, यहाँ पे एक्स टू जो है वो कैपिटल एक्स है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई टू इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, यानी माइनस टू प्लस टू बाई टू जीरो हो गया, टू प्लस एट बाई टू टेन बाई टू फाइव हो गया। आर डिवाइड ए बी इन थ्री रेशियो वन, एम वन थ्री हो जाएगा, एम टू वन हो जाएगा, एक्स थ्री इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाई एम वन प्लस एम टू, थ्री इंटू टू प्लस वन इंटू माइनस टू बाई थ्री प्लस वन, यानी ये आपका हो जाएगा सिक्स माइनस टू, यानी फोर बाई फोर इज इक्वल टू वन, वाई थ्री इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू, वाई वन बाई एम वन प्लस एम टू, थ्री इंटू एट प्लस वन इंटू टू बाई थ्री प्लस वन, यानी ट्वेंटी सिक्स बाई फोर, यानी थर्टीन बाई टू।